वेलकम टू फाइंडिंग एक्स। और आज जो हम देखेंगे वो है, सबसे पहला जो रूल है वो एक है यूक्लिड रूल। यूक्लिड रूल बोलता है एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज दी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसका मतलब क्या, कोई भी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब वन और खुद को छोड़ के उससे ज्यादा जो फैक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ जो लास्ट प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व किया था उसके अंदर में। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यूक्लिड की थ्योरम क्या बोलती है, मतलब यूक्लिड का रूल जो, नॉट थ्योरम, यूक्लिड का रूल, रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी नंबर को जो कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे अज्यूम करता हूँ मैं 45, तो अगर मैंने 45 अज्यूम किया है, एक सेकेंड, तो अगर मैंने 45 लिखा है यहाँ पे, तो 45 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 9 45, राइट है। तो 5 × 9 मैंने लिख दिया। अब 9 को मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 5। अब 9 आपको पता है क्योंकि कंपोजिट नंबर है, तो इसको मैं फिर से ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। इसका ब्रेक डाउन अगर मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3। तो 45 का मतलब क्या होता है, 5 × 3 × 3। आपको पता है 5 भी क्या है मेरा, 5 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, और ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। और यही हमारा बेस है किस चीज़ के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। यही हमारा एकदम बेसिक चीज है, क्लियर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि हम कोई भी नंबर को केवल प्राइम नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलग अलग वे में रिप्रेजेंटेशन होते हैं, तो मैं आपको पहले बताऊंगा वर्टिकल अरेंजमेंट, मतलब इसको अलग अलग वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अरेंजमेंट क्या होता है वो बता देता हूं मैं यहां पे। एक होता है अपना वर्टिकल अरेंजमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, एक ट्री रिप्रेजेंटेशन भी होता है। ये आपके सिलेबस में इतना ज्यादा है नहीं, बट बुक में एक जगह पे ड्रॉ किया गया है। तो ट्री फॉर्म में हम लोग कैसे बनाते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। और सबसे ज्यादा जो आप यूज करते हैं वो है वर्टिकल अरेंजमेंट, खाली यही एक बहुत ज्यादा यूज होता है, बट आपको स्टिल पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्या होता है और ट्री अरेंजमेंट क्या होता है, क्लियर है। तो पहले वर्टिकल अरेंजमेंट देख लेते हैं। सपोज कीजिए मेरा फिर नंबर है 36, मुझे इसको प्राइम फैक्टराइज करना है, तो मैं 36 को यहाँ पे लिखूंगा। तो आप हमेशा अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, छोटे से छोटा नंबर लिया, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है आपको पता है क्या है, 2 है। तो 36 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, मैं पे रफक में आपके लिए कर देता हूँ। 36 को मैं 2 से करूंगा, तो 2 1 इज 2, तब 1 आ जाएगा, 16 हो गया, 2 8 इज 16। तो इसको माइनस करेंगे तो 0 मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मतलब 18 आया। तो इस 18 को, जो क्वेश्चन में मुझे 18 मिला, मैं 18 को यहाँ पे लिखूंगा, फिर से मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 × 9, 2 9 का क्या होता है, 18 होता है, तो यहाँ पे 9 लिख दूंगा मैं। अब 9 2 की टेबल में नहीं आता, 2 से बड़ा कौन सा प्राइम नंबर है अपने पास में, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखूंगा मैं, तो इसको मैं 3 लिख दूंगा, फिर से यहाँ पे 3 लिखूंगा और इसको मैं 1 कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 36 को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट आपको सॉल्व करना डायरेक्टली, तो भी आपको बताता हूँ किस तरह से करेंगे हम लोग। 36 मैंने यहाँ पे लिखा, तो 36 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्वेश्चन क्या मिलने वाला है, 18 मिलने वाला है। तो मैंने 2 लिख दिया और इंटू 18 लिख दिया, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 2 लिखूंगा और 18 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 18 क्या होता है, 2 × 9 होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 × 9 इज 18। तो 18 को ही मैंने क्या कर दिया, फर्दर डिवाइड कर दिया 2 और 9 के अंदर में, 2 9 से 18 होता है, मैंने फिर से वही लिख दिया, क्लियर है। तो मैं 2 लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ पे 2 लिखूंगा इंटू, अब देखिए 9 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3। तो मतलब मैंने ये वाला 9 जो ब्रेक डाउन हो सकता था, और क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है 9, तो इस 3 × 3 मतलब 9 होता है, तो मैंने वही लिख दिया यहाँ पे, क्लियर है। तो अगेन आप देखते हैं आंसर सबसे सेम ही आने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं है, 2 × 2 × 3 × 3। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, 36 के। एक जो ट्री रिप्रेजेंटेशन आपको देके रखा हो बुक के अंदर में, वो इस तरह से देके रखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसलिए आपको बताता हूँ, खाली रिप्रेजेंट करने का अलग तरीका है। 36 को आप 2 पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 2 में और 18 में। अब 2 तो आगे फर्दर डिवाइड होगा नहीं, तो इस ब्रांच को आप 2 2 में कन्वर्ट करते चलिए। इन्होंने ऐसे सर्कल भी बना के रखे हुए हैं, आप चाहें तो बना सकते हैं, वैसे कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस चीज़ को लेकर के। तो अब 18 को आप अगेन क्या लिख सकते हैं, आप 18 को अगेन आप लिख सकते हैं 2 × 9 लिख सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए जो ब्रांच आगे एक्सटेंड नहीं हो रही ना, उसको आगे आप एक्सटेंड करते हैं हर एक स्टेप के अंदर में। अब देखिए इस स्टेप के अंदर में 2 फिर से एक्सटेंड होगा, 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, और 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं वही करूंगा यहाँ पे, 2 का 2 मैं एज इट इज लिख दूंगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और 9 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और एक और क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये बुक में एक जगह आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है, इसके लिए मैंने आपको समझा दिया कि हम लोग ये क्या होता है, किस तरह से करते हैं। बेसिकली सारी चीज़ें एक ही हैं, 2 × 2 × 3 × 3 हो जाएगा, क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अभी तक।
देखिए, मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फैक्टराइज दी फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम, मतलब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं किस में करना है, प्राइम्स में करना है, इसका मतलब क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है, क्लियर है। तो फर्स्ट जो मैं गिवन यहाँ पे वो है 32, तो पहले मैं 32 को करूंगा यहाँ पर, तो 32 है और ये 2 है, तो 32 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, 32 और 2, 2 वन साइज 2, माइनस करेंगे 1 आ गया, यहाँ पे ये 2 नीचे आ गया, तो 2 सिक्स इज 12, ये माइनस किया मैंने तो मुझे 0 मिल गया, तो मतलब क्या मिल गया मुझे 16 मिल गया। इसको मैं फिर से 2 से करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 8 मिल जाएगा, फिर से 2 से करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 4, फिर से मैं 2 से करूंगा तो यहाँ पर 2 मिल जाएगा, फिर से 2 से करूंगा 1 मिल जाएगा, क्लियर है। तो 32 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 5 टाइम्स 2 आ रहा था, मैं यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 5 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो राइट है, मैंने इसको करेक्टली सॉल्व किया है। ओके, नेक्स्ट जो है 57 है, तो 57 मैंने आपको बताया था सबसे पहले, भी ये देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर, यहाँ पे एक इवन नंबर नहीं आ रहा है, ये 7 क्या ऑड नंबर है, तो डेफिनेटली मैं इसको एक बार चेक करता हूँ 3 से डिवाइड करके, 57 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा, 5 7 और 3, 3 1 इज 3, ये 2 आ जाएगा, 3 9 इज 27, तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। अब देखिए आपने इसको 3 से डिवाइड किया, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, 19, आपको पता है 19 भी क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है, लास्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने देखा था, तो ये फिर से किससे होगा, ये डायरेक्ट 19 से होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्लियर है। तो 57 को अगर आपको लिखना हो प्राइम के अंदर में तो आप कैसे लिखेंगे, 57 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 19, क्लियर है। अब आता है 23, 23 इट्सेल्फ इज अ प्राइम नंबर, मतलब 23 अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है, 23 डायरेक्ट किससे डिवाइड होगा, 23 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, और 1 जो है इसका प्राइम फैक्टर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब 23 इक्वल टू 23 ही लिखेंगे, इसको हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे इनटू प्राइम्स में, स्मॉलर प्राइम नंबर में, क्लियर है। अब मैं करूँगा 150 का, तो 150 के लिए मैं 150 लिखूंगा, और यहाँ पे मैं 2 से कर सकता हूँ, यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 है तो 2 से जाएगा ही जाएगा, डिवाइड होगा, तो 150 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो रफक मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपके लिए, वैसे तो बहुत ईजी है बट स्टिल मैं कर देता हूँ, 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 इज 14, 14 आ गया, माइनस किया तो 1 आया, 15 माइनस 14 माइनस हुआ तो 1 आ जाएगा, ये 0 जो वो नीचे आएगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 इज 10, तो ये 10 माइनस होगा तो 0 मिल जाएगा, तो मतलब क्या मिला मुझे, 75 मिला, 75 लिख दूंगा। देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 क्या है, ऑड है, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड तो डेफिनेटली नहीं होगा, किससे होगा, 3 से होगा, तो मैं 75 को अगेन, अब यहाँ पे मैं रफर ये मेरा चल रहा है इतना, तो मैं 75 को फिर से किससे डिवाइड करता हूँ, 3 से करता हूँ, तो 3 2 6 आ जाएगा, यहाँ पे कैरी 1 आ जाएगी, 15 आ जाएगा, और 3 5 इज 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, और 25 3 की टेबल में आता है, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 3 का, 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो यहाँ पे ये अगेन 5 आ जाएगा, 5 5 से जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्लियर है। तो 150 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, क्लियर है। तो ये हमारे पहले 4 सब क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व हो गए हैं, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट के जो सब क्वेश्चन है उनकी तरफ। ओके, तो यहाँ पे जो देकर रखा है फिफ्थ सब पार्ट जो हमको देकर के रखा हुआ, वो देकर के रखा हुआ यहाँ पे 216, तो 216 में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे अगेन जैसे करते आ रहे हैं। मैं आपके लिए हर एक क्वेश्चन इसके लिए कर रहा हूँ कि हो सकता है आपको कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है, कई बार मुझे कमेंट्स आते हैं कि समझ में नहीं आ रहा होगा एक पर्टिकुलर पार्ट, और हर एक सब क्वेश्चन के लिए वीडियो बना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है इसके लिए। तो 216 को मैं यहाँ पे देखिए 6 आ रहा है, लास्ट डिजिट जो है 6 है इसका, 216 का, तो मैं इसको सिंपली क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 1 इज 2, 2 आ गया, यहाँ पे 0 आया, फिर एक कैरी आई यहाँ पे, तो ये 1 है। अब देखिए ये 2 से छोटा है, ये 1 2 से छोटा, ये 1 हो रहा है, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक 0 लगा दूंगा, तो फिर से मैं इसको 0 से माइनस करूंगा, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं मैंने देखा है, और फिर मैं इस 6 को नीचे फिर से कॉपी करूंगा, तो अभी 16 आ जाएगा, 2 8 16, तो मैं 16 यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे मुझे 0 मिल जाएगा, तो ये मुझे मिल गया 108, मैंने 2 से अगर डिवाइड किया तो फिर से यहाँ पे 8 आ रहा है, ये इवन नंबर है, तो मैं फिर से इसको 2 से डिवाइड करूंगा, तो 108 को हम लोग 2 से डिवाइड करके देखते हैं यहाँ पे, 108 2 से करूंगा तो 2 5 इज 10, 10 माइनस हो जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर 2 4 8, तो इसका मतलब क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8 लिखूंगा तो आप करेंगे तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा, तो 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। आई होप आपको 2 से डिवीजन करना इतना टफ नहीं जा रहा होगा, अभी 54 तो बहुत छोटा नंबर है, तो मैं ओरली कर देता हूँ, 2 2 इज 4 एंड 2 7 इज 14, और 27 आ गया तो 3 से ट्राई करेंगे हम लोग, 3 9 27 होता है, फिर से 3 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर से 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये जो मैंने इतना किया है ना, ये रफ वर्क है,
मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, अपने फेयर के साथ में इसको सॉल्व कीजिए, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं इस तरह से। अभी आपको यहाँ पे 216 अगर लिखना है, इसको प्रिवेंट करना है, तो आपका कैसे हो जाएगा, 216 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। क्लियर है? बहुत ही सिमिलर 208 के लिए भी हम लोग करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ये 208 है, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है वो एक इवन नंबर है, तो 2 से ये डिवाइड करूंगा मैं, इसको ओरली कर रहा हूँ। 2 1 इज 2, अगेन यहाँ पे 0 बीच में, तो 0 आ जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। क्लियर है? फिर से 108 को जैसे मैं डिवाइड करता, 104 को भी डिवाइड करूँ, 2 5 10 हो जाएगा, 2 2 इज 4 हो जाएगा। अगेन देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, 52 का जो लास्ट डिजिट है 2 है, इवन नंबर, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 इज 4, 2 6 12। फिर से मैं 2 से करूँगा यहाँ पे, तो 2 1 2 एंड 2 3 6। अब 13 भी आपको पता है क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, तो यहाँ पे आ गया 1। इसका मतलब क्या हो गया, 208 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 13। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा जो देकर के रखा हुआ है वो है 765। तो ये 76 जो 5 है, ये 2 से तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 5 है वो क्या है, इवन नंबर नहीं है, वो क्या है, ऑड नंबर है। तो इसके लिए नेक्स्ट जो मैं प्राइम नंबर है वो है 3। मैं 3 से ट्राई करता हूँ इसको, 3 से अगर मैं 76 को डिवाइड करूंगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 765, 3 से करूंगा तो 3 2 6 1 आ जाएगा, 3 5 इज 15 1 आ जाएगा, और फिर से 15 हो जाएगा, तो 255 मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। 3 से किया तो 255 मिल गया। क्लियर है? फिर से मैं इसको 3 से ट्राई करके देखते हैं, 3 से होता है कि नहीं होता है, 255। तो ये 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 इज 24। तो इसको मैं 24 से किया, 1 आ गया, और 3 5 इज 15 आ गया फिर से, तो यहाँ पे मिल गया मुझे 85। 85 को मुझे फिर से करना होगा, तो 85 जो है वो मैं ट्राई करता हूँ। अभी ये 3 से मेरे ख्याल से नहीं जाएगा, अभी वह चेक कीजिएगा, बट ये 5 से डेफिनेटली हो जाएगा। तो 85 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 इज 5, तो यहाँ पे 3 आ गया, 5 7 इज 35, तो ये हो जाएगा 17। तो ये मैंने अगर 5 से किया तो 17 मिल गया। आपको पता है 17 भी क्या एक प्राइम नंबर है, तो ये किसी और नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 765 इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 17। क्लियर है? ओके और अभी ये जो 342 है, ये मैं आपके लिए एक छोटा सा सब क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, अभी के वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करके देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। क्लियर है? अब 9th और 10th में आपके लिए और सॉल्व कर देता हूँ। 377 है, 377 ये थोड़ा सा बड़ा नंबर देकर के रखा हुआ है, और ये जिस प्राइम फैक्टर से डिवाइड होगा वो है 13। देखिए 377 ये 13 से ही होगा, मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि बड़ा नंबर आप 2 से 3 से 5 से 7 से ट्राई करेंगे तो नहीं होगा, ये 11 से भी ट्राई करेंगे तो नहीं होगा, ये डायरेक्टली जो होगा वो होगा, आप ट्रायल कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको ये समझेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी नहीं है आपके लिए। 377 13 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं इसको 13 से डिवाइड करूँगा, तो 13 में जब 13 13 टू इज 26, तो मैं इसको 26 लिखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, और ये भी 1 आ जाएगा, 117 हो जाएगा। और 39 इज क्या होता है, आपको पता है 117 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने माइनस किया तो 0 मिल गया मुझे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 29। 29 अगर मुझे मिल रहा है, 29 आपको पता है कोई और टेबल में नहीं आता किसी भी टेबल में, क्योंकि 29 क्या है, अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 1 मिल गया। तो आप लिख सकते हैं 377 इक्वल टू 13 × 29। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सम है, लास्ट के दो सम देख कर रखे हैं, 559 दे के रखा हुआ है, ये भी थोड़ा बड़ा नंबर है, और ये डायरेक्टली ये अगेन फिर से ये 13 से ही जाएगा, 559। इसको मैं 13 से डिवाइड करूंगा यहाँ पे, तो करके देखते हैं अभी रफ्त में हम लोग, 559 और 13 लूँगा मैं यहाँ पे, तो हमारा ये जो जाएगा 13 4 से मैं लूँगा, 13 4 से अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो कितना हो जाएगा, अगर आप भूल जाते हैं कभी कभी टेबल, तो ट्रिक बता देता हूँ जो कि मैं भी कभी कभी यूज़ करता हूँ। सपोज कि आपको याद नहीं आ रहा 13 × 4 क्या होता है, 13 4 का क्या होगा, ये मैं डायरेक्टली बता दिया आपको, लेकिन आप देखिए आप कैसे चेक करेंगे, पहले 13 × 3 करके चेक कीजिएगा क्या नंबर आ रहा है, फिर 13 × 4 या आप रफ में कर सकते हैं इस चीज़ को, 4 3 12 और 4 1 1 एक कैरी हो गया, 4 1 4 552 हो गया यहाँ पे, और 3 3 9 हो गया, और 3 1 3 हो गया, 39 हो रहा है, 52 हो रहा है, इसका मतलब हम लोग 4 ही लेंगे, क्योंकि 13 × 5 अगर हम लोग करेंगे तो और बड़ा नंबर हो जाएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे मुझे मिल गया 52, मैंने माइनस किया तो यहाँ पे मिल गया मुझे 3, और यहाँ पे मिल गया मुझे 9, और हमने भी किया था 13 × 3 क्या मिला था, 39 मिला था, तो मैं यहाँ पे मेरा आ जाएगा 43। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 43, और 43 आप किसी और नंबर से नहीं जाएंगे, 43 भी क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। इसके लिए मैंने आपको बोला आपको पता होना चाहिए 1 to 50 या 1 to 100 कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर होते हैं, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो और कॉन्फिडेंटली आप जल्दी से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा जो मैंने यहाँ पे किया वो रफ वर्क में जाएगा,
और ये आप रफ़क में कीजिएगा तो 559 इक्वल टू हो जाएगा 13 × 43। ओके, तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट जो था ये वाला कंप्लीट हो चुका है। एंड आई होप आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और देखने के लिए थैंक यू।